हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इट्स मी शायला खान। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अहम है। भारत और रशिया के बीच होने वाली है एक बहुत ही अहम डील। यस, फाइटर जेट Su-75 जिसको रशिया बना रहा है और खबरें ये आ रही है कि भारत इसको परचेस करने वाला है। जबरदस्त। इसकी पावर कितनी है और कौन से पर्पसेस के लिए ये यूज होगा भारत के डिफेंस में, वीडियो देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लिया करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय चाहे भारत की मीडिया हो या पूरे वर्ल्ड की मीडिया हो, तमाम डिफेंस सर्कल में एक ही खबर घूम रही है कि क्या भारत 2024 में आखिरकार एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, क्या भारत इस साल Su-75 जो कि एक रूस का सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा। और यकीन मानिए, मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल में खबर निकलकर सामने आई है रूस से, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। सबसे पहले हुआ यह है कि Su-75 आप जानते ही हैं, जिसे चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है, यह रूस का एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने वाला है। अभी तक ये बनकर तैयार नहीं है। तो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रूस के द्वारा बनाया गया इसका एक प्रोटोटाइप है। यानी कि ये कह रहा है रूस कि जब ये लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा तो देखने में ऐसा लगेगा। हालांकि कब तक ये बनकर तैयार होगा, तो देखिए, इसकी घोषणा की गई थी जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले। और इन्होंने कहा था कि 2024 में इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा, 26 तक बनकर तैयार होगा और 27-28 में बेचने को ये रेडी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, इस लड़ाकू विमान पर कुछ भी खास काम नहीं हो पाया है और ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये शायद 2028 के बाद ही किसी देश को रूस बेच पाएगा। यानी कि ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर भारत सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए इसे खरीद भी लेता है, तो हमारे हाथों में इसे आप 2030 तक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, यानी कम से कम 6 सालों का वक्त। मैंने आपको ये बता दिया कि Su-75 है क्या, कब तक बनकर तैयार होगा और भारत खरीदता है तो कब तक हमारे हाथों में आएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं खबर। तो देखिए, रूस ने यह लड़ाकू विमान मेनली बेचने के लिए ही बनाया है। क्यों? क्योंकि रूस अपना खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। उसके लिए उसे भारी मात्रा में पैसे चाहिए और पैसा इकट्ठा करने की सबसे बढ़िया स्कीम यह है कि एक अपना प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखो, दुनिया के जिन देशों को अच्छा लगेगा वो उसमें पैसा लगाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप उन देशों को भी लड़ाकू विमान दोगे, खुद भी इस्तेमाल करोगे। यही Su-75 के साथ रूस की स्कीम है। वो भारत से ऑर्डर लेगा, फिर उसके बाद भारत जो पैसे देगा ऑर्डर के रूप में रूस को, उस पैसे में कुछ पैसे ये खुद से मिलाएंगे, फिर उसकी मदद से भारी मात्रा में बड़ी संख्या में इसे तैयार किया जाएगा। कुछ ये अपने पास रखेंगे, कुछ ये बेचेंगे भारत को, उसके बाद कुछ ये चीन या फिर कई अन्य जो इनके फ्रेंडली कंट्री हैं उन्हें भी देंगे। लेकिन इस स्कीम में दिक्कत है। दिक्कत ये कि भारत इस लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहता था। शुरुआत से ही भारत ने साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बताई थी रूस ने। और दूसरा ये कि कीमत देने के बावजूद भी ये तैयार हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इससे बेटर तो यही है कि हम थोड़े से पैसे और मिलाएं और अमेरिका से F-35 खरीद लें, जो कि इससे बेटर जेट है, जल्दी हमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, उसे बैटल एक्सपीरियंस भी है, यानी कि युद्ध में उसका इस्तेमाल भी हो चुका है। इसीलिए भारत ने तय किया था कि हम इसे नहीं लेंगे, हम खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं M का, उसी पर काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड आ चुका है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए, तमाम इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया इसे कवर कर रही है, जिसमें बयान दिखाया जा रहा है रूस की रोस्टेक कंपनी, जो कि Su-75 बनाने का काम कर रही है। इसी कंपनी के चेयरमैन ने बयान दिया है कि हम अपने Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कुछ टेक्निकल रिप्लेसमेंट करके इसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं, जिससे कि Su-75 की कीमतें बहुत ही तेजी से गिरेंगी और ये बाकी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और मेनली उनका इशारा था भारत की तरफ कि अब तो हमने इसकी कीमतें भी कम कर दी हैं, अब तो इसे आप खरीद लीजिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अब भी भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी के ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि भारत कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान ना खरीदे, अपना जो खुद का M का है उसे बनाने पर फोकस करे, क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ी तेजी लाएंगे
तो वो इस Su-75 से पहले बनकर तैयार हो सकता है। इसके अलावा तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर भारत को लगता है कि एमका डिले हो सकता है और हमें फिलहाल चीन को रोकने के लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की जरूरत है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करनी है उसमें स्टेल्थ लड़ाकू विमान चाहिए और उसके लिए हमें खरीदना ही पड़ेगा, खुद बनाने में टाइम लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन है F-35 के लिए जाओ, क्योंकि वो एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है और दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और आपको बता दूं कि F-35 की कीमतें भी 25% तक गिर चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका उसकी बड़ी प्रोडक्शन लाइन बना चुका है और इसीलिए जो Su-75 है उसे खरीदने का तर्क बनता ही नहीं है, क्योंकि ये 2026-27 के बाद ही मिलेगा अगर आप आज भी ऑर्डर देते हो तो तब तक तो हमारा एमका ही आ जाएगा, फिर खरीदने की जरूरत क्या है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है एमका बनाओ, लेकिन अगर खरीदना ही है, कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो फिर F-35 के लिए जाओ। इसके अलावा जो भी आप चुनोगे वो बेकार ही ऑप्शन है, हालांकि इस पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और सिंगल इंजन ये जो फाइटर जेट्स है Su-75 और इसको 2028 के बीच इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेल के लिए निकाला जाएगा मार्केट के अंदर, और पहले इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन अब इंडिया का इंटरेस्ट डेवलप हो गया और जितने हथियार इंडिया पहले खरीदता था डिफेंस से रिलेटेड, वो फाइटर जेट्स हो, वो गन्स हो, अब वो कोई भी आर्मी से रिलेटेड जो है आइटम हो, वो अब भारत कोशिश करता है या तो वो पार्टनरशिप के थ्रू बन जाए या फिर वो भारत के अंदर अंदर ही बने। यस, नायला की बात है कि कम बजट में ज्यादा प्रोडक्ट्स भारत बनाता है, और अब जो अब भी 2024-23 या 20 के बाद की बात करें, भारत के पास नो डाउट डिफेंस का बहुत आइटम्स पड़ा हुआ है, इनके पास हर तरह की डिजाइन में बड़ी वैरायटी है यार, लेकिन अब ना टेक्नोलॉजी के एतबार से उसको अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ ऐसे हथियार हैं जिनमें पुरानी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे अब आ रहे हैं जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जाहिर है जो कंट्रीज अंडर डेवलप हैं या इतनी डेवलप नहीं हुई उनके लिए तो भारत अगर जंग होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, लेकिन अगर चाइना जैसी कंट्री के साथ भारत का, जैसे वो कहते हैं कि एक ना एक दिन हमारा चाइना के साथ युद्ध होगा, ठीक है, इसलिए ही इंडिया इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर हो तो भारत के पास, क्योंकि वो तमाम टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान के पास है, तो वो लड़ लेगा, लेकिन चाइना क्योंकि हथियार बहुत ज्यादा बनाता है, भारत कंपैरेटिवली कम बनाता है चाइना के, लेकिन उनको इतना पता है कि एक ना एक दिन चाइना और इंडिया सामने आएंगे ही आएंगे, इसलिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल करें कि अगर चाइना, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि 2000 किलोमीटर की रेंज पे एक मिसाइल बनाता है तो भारत की कोशिश होती है कि हम 2500 वाला करें, तो इस तरह से जो है चाइना लड़ाई करता नजर भी तो आता बोलते हैं। हाँ, तो और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो रशिया के जो है हथियार भारत इस्तेमाल करता है, तो भारत रशिया की प्रोडक्ट्स पे जो है बिलीव करता है और बहुत महंगे भी होते हैं, लेकिन भारत अपने डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए करता है, और ये साल जो बजट आया है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेगी कि भारत ने 3.4% जो है बजट इंक्रीज किया है डिफेंस में, तो जिस तरह से इन्फ्लेशन है, जिस तरह से कंट्रीज को क्राइसिस है, ओवरऑल द वर्ल्ड दुनिया का जो डिफेंस बजट है वो इंक्रीज किया है, जो अगर हम अमेरिका की बात करें तो 900% उनका जो है डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है, भारत का भी हुआ है, रशिया का भी। अगर हम डिफेंस की बात करें तो ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी उसका डिफेंस बजट कम है भारत का ज्यादा है। बांग्लादेश को देख लो, उसके पास भी, वो भी अपना डिफेंस अपनी कंट्री के लिहाज से बेहतर करता जा रहा है, और चाइना तो वैसे ही भारत की नकल करता रहता है, अगर भारत ने ये वाला मिसाइल बनाया तो उन्होंने उसे अगले दिन कुछ ना कुछ बना देना है, और जितना पैसा चाइना लगाते हैं ना अपने मिसाइल वगैरह बनाने में तो उस लिहाज से वो तरक्की नहीं कर रहे, उनके जितने भी मिसाइल हैं या तो वो चल जाते हैं या वो चलते ही नहीं, मतलब क्वालिटी इतनी क्वांटिटी ज्यादा करते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब किस्म की होती है, तो फायदा है क्या ऐसी चीजों का जिसपे उनको खुद नहीं यकीन कि ये चलेगा या नहीं, और उनका चाइना को जंग का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि इंडिया तो चार जंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लड़ चुका है,
और मैं ये भी बात कहूंगी, जैसे वीडियो में कह रहे थे कि रूस जब से यूक्रेन का युद्ध है, वॉर स्टार्ट है, तो रूस के बहुत से जो है प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं पे रूस की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई है और होगी भी। जंग तो आपको पता, आपको इकोनॉमिकली बहुत पीछे ले जाती है। यूक्रेन को आपको पता है अमेरिका की, यूरोप की जो है सपोर्ट हासिल है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पर उनको एड्स वगैरह मिलती रहती है, हथियार उनको मिलते हैं। लेकिन दूसरी जानब रशिया अकेला खड़ा है, तो आप देखेंगे एक तरफ सारा यूरोप और एक तरफ एक कंट्री। उसने जंग के मामले में किसी की सुनी भी तो नहीं ना, उनको कह दिया गया कि इनसे कोई भी पेट्रोल नहीं लेगा, कोई डिफेंस चीज नहीं लेगा, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड उन्होंने ट्रेड किया और वो अपने लिहाज से करते रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। और ट्रेड या तो उनके साथ चाइना ने की है या फिर भारत ने किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर कर, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए।